कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। आपने पाया होगा ये अक्सर लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है। तो आज हम समझेंगे ये कॉन्स्टिपेशन होता क्या है और इसे क्योर कैसे किया जाता है। तो पहले समझते हैं कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। जब आप कुछ खाते हो च्यू करते हो, खाते हो दिल, वो आपके स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। तब क्या होता है, वो वहां से गुजरते हुए मूव करते हुए जो एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है और जो वेस्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, स्टूल जिसे कहते हैं। बट अक्सर कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जो स्टूल है मतलब जो हमारा वेस्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में मतलब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रुक सा गया होता है। तो वो अटक चुका है वहां पे, रुक सा गया है, वो साफ नहीं हो रहा है, हमारा जो वेस्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा है, उसे ही कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। किसी को एक दिन ऐसा हो जाए तो उसे नहीं कहते कॉन्स्टिपेशन। मे बी अगर आपके 3 दिन के बाद भी आपका एक मूवमेंट नहीं हुआ है उसे कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। आफ्टर 3 डेज फिर भी वो अनक्लियर है, साफ नहीं हो पा रहा है, तब कह सकते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। अभी हमें क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें करनी है, चाहे हम एक्सरसाइज के द्वारा देखें, चाहे हम डाइट के द्वारा देखें, कुछ ऐसी चीजें हमें करनी होगी कि वो स्मूथली हमारे वहां से इंटेस्टाइन से निकल सके और क्लियर हो सके। जब हम प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो हमें प्रैक्टिसेस कुछ ऐसे प्रकार के करने होंगे जो आपके लोअर बॉडी वर्कआउट्स हो, आपके टमी वाले वर्कआउट्स हो, चाहे आप वॉकिंग बोलो, जॉगिंग बोलो, या फिर कोई भी प्रैक्टिसेस, आसनास, एनी वर्कआउट्स, आप ऐसे लोगे जो आपके टमी पे काम करे एंड साथ ही में लोअर बॉडी की ओर, डिरेक्शन आपका लोअर बॉडी रहे। एंड तो हम पहले बात करेंगे प्रैक्टिसेस को लेते हुए, किस तरह से प्रैक्टिसेस के दौरान आप जा सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्राणायाम द्वारा। तो हम जो पहला प्राणायाम देखने जा रहे हैं दैट इज कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति इज अ डिटॉक्सिफिकेशन प्राणायाम और इसमें आपके स्टमक की अलाइनमेंट होती है, मतलब बाहर अंदर आप इस प्रकार के आपके अलाइनमेंट आप महसूस करोगे और डिटॉक्स करता है। जो आपका प्रेशर आपकी बेली की ओर लाएगा, इंटेस्टाइन की ओर लाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो आपको स्मूथली वहां से जो अटकी हुई चीज है उसको वेव करने में आसानी देगा। तो देखते कपालभाति करते हैं, हम बैठ जाना है, इनहेल करना है एंड कंटिन्यूअस एक्सहेल करना होगा। और जब कंटिन्यू एक्सहेल करोगे डाउन डाउन एंड डाउन, चलिए इसे करते थोड़ा और एक्टिवली, कहीं ना कहीं वो और हेल्प करेगा आपको रिलीज करने में। इसके द्वारा आप जा सकते हो। साथ ही में हम कुछ आसन देखेंगे जो आपके टमी के रिलेटेड होंगे, आपको लोअर बॉडी डायरेक्शन देंगे, वो स्मूथली वहां से निकल सके जो अटकी हुई चीज है हमारी, ठीक है। तो आसन के द्वारा हम क्या कौन से प्रकार के हम आसन देखेंगे वो जानते हैं। हम देखने जा रहे हैं पीठ के बल वाला आसन जिसका नाम है नौका आसन।
नौकासन एक नाव पोस्चर है, इसे नाव कहा जाता है। आप पाओगे कुछ इसका ऐसे आकार बनेगा, अपर बॉडी भी उठी हुई होती है, लोअर बॉडी भी उठी हुई होती है और पूरा प्रेशर हमारी टमी की ओर आता है, प्रेशर हमारी टमी पे देता है जो कि हमें इस वक्त जरूरी है, चाहिए। तो करते हैं इसे, पैरों को सीधा कर लीजिए, आपकी पैरों को ऊपर की ओर उठाना है, अपने हाथों को भी ऊपर की ओर उठाना है, इस तरह का वी शेप हमें बनाना होगा। जब आप इसमें होल्ड करोगे पाओगे प्रेशर आपके बेली पे आ रहा होगा। हैंड रिलीज, टमी पे प्रेशर आने से ये पोस्चर करोगे, कुछ समय होल्डिंग बढ़ाइए, एक टाइमर लगा लीजिए 30 सेकेंड एक मिनट का, देखिए कितने काउंट्स आप इसमें होल्ड कर पा रहे हो, प्रेशर टमी की ओर आएगा, उसे रिलीज करने में वो हेल्प करेगा। कुछ और पोस्चर्स के द्वारा जाएंगे, जो नेक्स्ट पोस्चर हम देखने जा रहे हैं दैट इज पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जो हम लाइंग ऑन बैक करने वाले हैं, पवन मुख नाम से समझ आ रहा है, एयर रिलीज की बात हो रही है और साथ ही में आपकी टमी पे, बिकॉज पैरों को फोल्ड करते हुए टमी की ओर आता है तो प्रेशर इजीली रिलीज होता है। तो क्या करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, चेस्ट के पास आएंगे, हाथों से हाथ करेंगे, और इसमें और प्रेशर देना है आपको तो क्या कर सकते हो, आपकी नोज से आपकी नीज को टच करा सकते हो और इसमें आपको होल्ड करना होगा। पवन मुक्तासन, आपने पाया पैरों को फोल्ड किया, टमी पे प्रेशर आ रहा है, रिलीज करने में जो हमारे मसल्स है उसको कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अटक चुकी है हमारे उसको एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पोस्चर है दैट इज सिटिंग पोस्चर, का नाम है मंडूक आसन, इट्स अ फ्रॉग पोज। तो आप लोग क्या करोगे, पहले वज्रासन में आओगे, दोनों पैरों को मोड़ लेना है, अपनी एड़ियों पे बैठना होता है और मुट्ठियां बनानी होती है कुछ इस प्रकार, आपके नाभियों की ओर इसे रखना होता है, नेवल एरिया की ओर थोड़ा हल्का सा प्रेस करते हुए नाभियों की ओर प्लेस करोगे एंड आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है आगे की ओर, जिसमें आप पाओगे आपका चेस्ट एंड आपके जो थाइज है वो टच हो जाएंगे और आपको एक प्रेशर आपके नाभियों की ओर महसूस होगा विथ फीस एंड हल्की सी आपकी नेक को अपवर्ड लिफ्ट करना है। आप पाओगे तीनों ही बहुत ही बढ़िया पोस्चर्स है हमारे, जो हमारे एग्जैक्ट टमी पे काम कर रहे हैं और हमारा डायरेक्शन भी लोअर रखा हुआ है हमने ना। ये तो हो गई बात कहीं ना कहीं कि हमें ये चीजें हो जाती है तो हम प्रेशर लाएंगे वहां पे, थोड़ा एक्टिव करेंगे मूवमेंट को, हमारे एब्डोमिनल मसल को, जो हमारे जो स्टिफनेस है, जो स्टूल्स है हमारे, जो वेव्स है उसे रिलीज करने में काम करें। और जब हम बात करेंगे डाइट की, आप आओगे जो चीजें अटकी हुई है वो क्यों अटकी हुई है, मतलब जो हमने खाया हुआ है मे बी थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा ड्राई होगा, सूखा होगा, उसमें अगर आप कहीं ना कि आप जैसे कोई सूखी चीज में आप पानी डाल दो, बेटी चीज डाल दो तो वो स्मूथली रिलीज जाती है। तो आप क्या करोगे इन केस ऑफ डाइट की जब हम बात करें, कुछ ऐसी चीजें आप इंटेक करोगे, कुछ ऐसा कंजम्पशन आप रखोगे जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हमारे कार्ब्स होता है उसका इंटेक आप ज्यादा रखोगे। इन दैट केस आप अगर बोल सकते हो जो हमारा कैरेट होता है वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत रसीला होता है, थोड़ा मिट्टी होता है, तो आप खाते हो एक सलाइवा बनता है जो आपको डाइजेस्ट करने में भी और साथ ही में जो रिलीज करने में जो हमारे स्टूल्स है वेस्ट है बहुत बढ़िया काम देता है। तो ऐसे कुछ कार्ब्स आपको लेने होंगे जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें आपको एक प्रोटीन अच्छा मिलता है, साथ ही में थोड़े बैटरी होते हैं जो आपको ईजिली स्मूथली रिलीज करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही में हमारे कुछ फाइबर वाली चीज़ें जिसे रेशे कहा जाता है।
फाइबर का इंटेक कम रहा तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें बढ़ जाती है। तो फाइबर वाली चीजें आपको ज्यादा खानी है जो आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्लियर, जो स्टूल है हमारे वो साफ करने में हेल्प करती है। तो फाइबर वाली चीजें खाने, बिकॉज फाइबर से क्या हो जाता है, आपने पाया होगा फाइबर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही में वो क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है। तो कार्ब्स वाले फूड, फाइबर वाले फूड एंड साथ ही में पानी पियो तो बहुत बढ़िया है। अगर लग रहा है कुछ ऐसी सूखी चीजें आप मिली हुई है, थोड़ा पानी ले लोगे, आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है थोड़ा बढ़ा लीजिए इन अ डे, बढ़ा लिया आप पाओगे कि ना कि जो थोड़ी हल्की सूखी ड्राई चीजें हो जाएगी वो थोड़ी वेट हो जाए तो उसे निकलने में आसानी मिल जाती है। तो वाटर इनटेक ज्यादा रखना है आप लोगों को, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी है, वेजीज एंड फ्रूट्स का इनटेक ज्यादा रखना है आपको, ये तीन चीजों पर ध्यान रखना है। इससे क्या हो जाएगा, जो रिलीज जो चीज़ें आई थी ये दिक्कत आ रही है आपको, मे भी कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट टाइम है आपका एब्डोमिनल वो क्लियर करने में कहीं ना कहीं पेन आता होगी, मसल्स खींचती होंगी और साथ ही में हार्ड टूल्स है, स्टिफनेस आई होंगी चीज़ों के अंदर, तो वो आसानी में क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो थ्रू पॉस्चर्स भी एंड थ्रू डाइट तो आप पाओगे कहीं ना कहीं जो दिक्कत है आपकी एक दो दिन या फिर रोज आपको मिल रही थी वो आप नहीं पाओगे एंड साथ ही में जो रिलाइजेशन है, डाइजेशन है एंड कॉन्स्टिपेशन जो क्लियर चीज है वो प्रॉपरली आपको मिलेगी। सो दिस वी हैव सीन कॉन्स्टिपेशन हाउ टू क्योर इट बेसिकली। थैंक यू।